आंगनवाड़ी सेविका बहाली चढ़ा हंगामे की भेंट। पुलिस पहुंचने के बाद भी नहीं थमा हंगामा। मधुबनी हरलाखी प्रखंड के कौवाहा बढ़ी गांव में आंगनवाड़ी सेविका शहाली बहाली हंगामे की भेंट चढ़ गया। दरअसल SDO बेनीपट्टी के निर्देश पर शनिवार को BDO कृष्ण मुरारी, CDPO पुष्पा कुमारी, पर्यवेक्षिका मनीषा कुमारी व आवास पर्यवेक्षक विद्यानंद प्रसाद सभी कौवाहा बढ़ी पंचायत भवन पहुंचे, जहां आम सभा होना था। उसके बाद सेविका बहाली की कार्रवाई शुरू की गई, जहां सर्वाधिक नंबर वाले एक अभ्यर्थी का मैट्रिक की कंपार्टमेंटल का मार्कशीट होने पर BDO ने चयन करने से मना कर दिया और पैनल में दूसरे अभ्यर्थी को ले लिया। इसी बात पर सर्वाधिक नंबर के अभ्यर्थियों के लोगों ने हंगामे शुरू कर दिए और BDO एवं CDPO के साथ आक्रोशित लोगों ने कहासुनी करने लगा, जिसके बाद BDO की सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का गुस्सा और भी तेज हो गया, जिसके बाद बहाली को आए पदाधिकारी को बेरंग लौटना पड़ा। दरअसल हंगामा कर रहे लोगों का कहना था कि जिस अभ्यर्थी को पैनल में लिया गया है उसका सर्टिफिकेट झारखंड का है और फर्जी है। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि उक्त अभ्यर्थी के द्वारा पदाधिकारी के साथ पहले से ही साठगांठ किया गया था। इस बाबत BDO कृष्ण मुरारी ने बताया कि लगाए गए सभी आरोप निराधार है। सर्वाधिक नंबर वाले अभ्यर्थी का मार्कशीट मैट्रिक के कंपार्टमेंटल का था और बिहार बोर्ड में गणित विषय में फेल था, इसलिए नंबर दूसरे अभ्यर्थी को पैनल में लिया गया है। उनकी सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल RGBR न्यूज के। हीरा कुमारी को पैसा लिया हुआ है, आप लोग कीजिए, हम लोग हैं हीरा कुमारी को पैसा लिया हुआ है।